दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको ऋषिकेश के टॉप 10 प्लेसेस के बारे में जानकारी देंगे। आने वाले दिनों में अगर आप ऋषिकेश यात्रा करना चाहते हैं तो इन प्लेसेस में आप जरूर जाएं, और जब इन प्लेस में आप घूम लेंगे तो कह सकते हैं ऋषिकेश की ज़्यादातर यात्रा आपकी कम्प्लीट हो जाएगी। तो पहला नाम आता है जानकी सेतु। ये जानकी सेतु पुल है। आजकल ज़्यादातर लोग जो है जानकी सेतु पुल से ही आवाजाही करते हैं, और इसी पुल को पार करने के बाद राम झूला की ओर परमार्थ निकेतन घाट की ओर जाते हैं। तो पहले नंबर पर आता है जानकी झूला पुल। तो आप लोग यहाँ जरूर जाएं, और जब यहाँ जाएंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। नीचे से गंगा जी की धारा जब निकलती है तो बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो आता है वो है राम झूला। ऋषिकेश जाएँ और राम झूला न देखें फिर तो अधूरापन रहेगा। तो राम झूला आप सभी जानते हैं विश्व विख्यात है। ऋषिकेश जाने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं। आप लोग पहुँच जाइए, जानकी झूला के माध्यम से पुल को पार करिए और दूसरी ओर पहुँच जाइए, और उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलकर आप राम झूला पहुँच सकते हैं और राम झूला के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। राम झूला के आसपास कई मुख्य जगह और भी हैं, कुछ मुख्य मंदिर हैं, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का जो प्लेस है, बहुत ही फेमस जगह है, कह सकते हैं कि सबसे फेवरेट जगह है लक्ष्मण झूला। लेकिन पिछले 4 वर्षों से लक्ष्मण झूला के पास श्रद्धालु कम ही जाते हैं। आप जानते होंगे कि लक्ष्मण झूला जो है 4 वर्षों से बंद चल रहा है, और लक्ष्मण झूले के पास बजरंग सेतु पुल का निर्माण चल रहा है जो कि सबसे अच्छा पुल होने वाला है और एक मजबूत पुल होगा। और ये पुल जो है कांच के पुल का होगा। ये फाउंडेशन आपको नज़र आ रही है, लक्ष्मण झूला के राइट साइड में ग्रीन कलर की सरिया नज़र आ रही हैं। ये बजरंग सेतु पुल की फाउंडेशन है। बहुत जल्द ये तैयार हो जाएगा पुल, फिर से यहाँ पर रौनक आएगी। चौथा जो प्लेस है परमार्थ निकेतन घाट, बहुत अच्छी जगह है, और ऋषिकेश में सबसे अच्छी माँ गंगे की आरती परमार्थ निकेतन घाट पर होती है। जब आप परमार्थ निकेतन घाट पर पहुँचेंगे तो यहाँ के सुंदर दृश्य देख सकते हैं, और शाम के समय जब पहुँचेंगे जब माँ गंगे की आरती होती है उस समय तो और भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। परमार्थ निकेतन घाट पर जाइए तो परमार्थ निकेतन आश्रम पर भी आप जा सकते हैं। आमने सामने हैं घाट और आश्रम, दोनों जगह के सुंदर दृश्य देखिए और भोलेनाथ के दर्शन करें। अब हम बात करते हैं पांचवा, जो एक बहुत ही प्रमुख घाट है, त्रिवेणी घाट। जिस तरह परमार्थ निकेतन में सबसे अच्छी माँ गंगे की आरती होती है, वैसे ही त्रिवेणी घाट में भी गंगा जी की बहुत अच्छे से आरती होती है। ये त्रिवेणी घाट का आरती स्थल है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है जब शाम के समय आरती होती है। बहुत बड़ा घाट है ये ऋषिकेश का। यहाँ पर एक बार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचकर स्नान कर सकते हैं। तो त्रिवेणी घाट जरूर जाएं, आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये ऋषिकेश का पांचवा प्रमुख स्थान है। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही प्रमुख आश्रम है ऋषिकेश का, और वो है गीता भवन। गीता भवन में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बहुत सारे कमरे हैं, सैकड़ों रूम्स हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली को ही रूम मिलता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग तो होती नहीं है, आप यहाँ पर खुद से जाइए, विजिट करें। फैमिली होगी आपके साथ में तो आपको जल्द से जल्द रूम मिल जाएगा, बस रूम खाली होना चाहिए। आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ जितने दिन चाहे आप रह सकते हैं। यहाँ पर सत्संग भागवत कथा का आयोजन भी समय समय पर चलता रहता है। यहाँ पर कुछ मुख्य मंदिर हैं जहाँ पर आप पहुँच कर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए गीता भवन कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से इस भवन को सजाया गया है। बहुत सारे गार्डन हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ऋषिकेश में अगर रहने के लिए गीता भवन मिल जाए या यहाँ पर आपको बुकिंग मिल जाए, रूम मिल जाए, तो सच में आपका मन करेगा कि 2 दिन एक्स्ट्रा ही रुका जाए। अब हम बात करते हैं सातवें नंबर की। सातवां जो प्रमुख स्थान है वो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास में ही पड़ता है, सामने कह सकते हैं। ये 12 मंजिल का मंदिर है, आप यहाँ पहुँच सकते हैं, आराम से इस मंदिर में घूमें, दर्शन करें। इस मंदिर के अंदर हर फ्लोर में आपको अलग अलग मंदिर देखने को मिलते हैं, और सच में यहाँ आने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आठवें नंबर पर आता है भरत मंदिर। ऋषिकेश का इतिहास जो है भरत मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में आप लोग जरूर जाएं, और ये जो मंदिर है ये त्रिवेणी घाट के पास में पड़ता है। त्रिवेणी घाट से आप पैदल भी इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं, और कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये हजारों वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर इस मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम है
म्यूजियम में आपको पुरातत्व विभाग की बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलेंगी, तो आप यहां पहुंच जाइए, दर्शन करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते जाएं, शेयर भी करें। अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ऋषिकेश में कुछ प्रमुख मंदिर और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी टॉप 10 प्लेसेस को ही लिया है, तो आप यहां पर जा सकते हैं। 9th नंबर में आता है नीर वाटरफॉल। नीर वाटरफॉल कह सकते हैं उन टूरिस्ट के लिए है जो थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहते हैं, वाटरफॉल्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ख़ास जगह है। और गर्मी के दिनों में तो ये बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और पूरे दिन यहाँ पर जल में स्नान करते हैं। बच्चे हों तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, लेकिन इस यहाँ पर अगर आप जाएं सावधानी से चढ़ाई करें, क्योंकि इसमें ट्रैक भी आपको करना पड़ता है, कुछ ट्रैकिंग है, क्योंकि इसके 3 पॉइंट हैं। अगर नीचे वाली धारा में स्नान करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, एक मिड में पड़ती है और एक टॉप में पड़ती है। जो टॉप वाला वाटरफॉल है वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ तक जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती है। बाकी यहाँ पर जाइए और अच्छे से आप इंजॉय करें। दसवें नंबर पर है ऋषिकेश का सबसे मेन मंदिर, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर कहते हैं। आप नीलकंठ महादेव मंदिर ज़रूर जाएं, और अगर आप इस मंदिर में नहीं गए तो फिर कह सकते हैं कि ऋषिकेश की यात्रा जो है अधूरी है। नीलकंठ महादेव मंदिर में जाइए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए, यहाँ पर दर्शन करिए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये वाला मंदिर भी विश्वविख्यात मंदिर है। और नीलकंठ मंदिर के रास्ते में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ वाटरफॉल मिलेंगे, पटना वाटरफॉल मिलेगा, एक और छोटा सा वाटरफॉल है जो ऑन रोड है, वहाँ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ नीलकंठ मंदिर गए हैं तो वहाँ पार्वती माता का मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। झिलमिल गुफा है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये ऋषिकेश के टॉप 10 प्लेसेस हैं। कुछ प्लेसेस और हो सकते हैं जो आप लोग सोच रहे होंगे, उनको हमने यहाँ पर जगह नहीं दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सबसे फेवरेट और टॉप 10 फेमस जगह हैं। तो आप लोग जब भी ऋषिकेश की यात्रा करें, कोशिश करें इन सभी जगह पर जाएं, अच्छे से दर्शन करें, और जो नीर वाटरफॉल है वहाँ पर आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, वाटरफॉल के साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही लगातार वीडियो हम लाते रहेंगे, आगे आने वाले दिनों में हम आपको हरिद्वार के टॉप 10 प्लेसेस के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।